उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में जारी बारिश ने राज्य के कई जिलों को जलमग्न कर दिया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों में सड़कों पर पानी भर गया है और निचले इलाकों के घर और दुकानें डूब गई हैं। लोगों ने पलायन कर लिया है या ऊपरी मंजिलों पर शरण ली है। सरकार के अनुसार 60 से अधिक जिलों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून जाते जाते कहर बरपा रहा है। बीते 24 घंटे में आगरा, प्रयागराज और वाराणसी समेत कई जिलों में भारी बारिश ने जल जीवन को पूरी तरह प्रभावित किया है। प्रयागराज में लोगों को मजबूरन अपनी मंजिल पर शरण लेनी पड़ी है। कई जगहों पर नाव चलने की स्थिति पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश में बीते 11 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदियों और नालों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। आगरा की सड़कों पर पानी भरने से वहां नाव तक चलानी पड़ी है। राज्य में 60 जिलों से ज्यादा इलाकों में भारी बारिश से लोग प्रभावित हैं और कई घर डूब चुके हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे 10,000 से अधिक घर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी मंजिलों पर शरण ले रहे हैं। कई लोगों ने सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर लिया है। हमीरपुर जिले में इस सितंबर महीने में औसतन 4.7 मिमी बारिश होनी थी, लेकिन इस बार रिकॉर्ड 137 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 32-40% अधिक है। इसी प्रकार अन्य जिलों में भी सामान्य से कई गुना अधिक बारिश हो रही है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है। मथुरा में भी हालत चिंताजनक बने हुए है। उन्नाव, कानपुर, बलिया, गोरखपुर और देवरिया जैसे जिलों में भी बाढ़ से बुरा हाल है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में रामघाट को जलमग्न कर दिया है, जिससे श्रद्धालुओं को सड़क किनारे पूजा करनी पड़ रही है। उन्नाव में एक कच्चे मकान के ढह जाने से एक महिला की मृत्यु हो गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यमुना, गंगा, घाघरा और शारदा जैसी प्रमुख नदियों का पानी आबादी वाले क्षेत्रों में घुसने लगा है, जिससे जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्व विभाग की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है, लेकिन जलस्तर में वृद्धि के चलते राहत कार्यों में भी परेशानी आ रही है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है और राहत कार्य जारी है, लेकिन बाढ़ का प्रभाव कम होता नहीं दिख रहा है।